देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार के सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों आज एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ पटना से उड़ान भरेंगे। 10:40 में दोनों की एक ही फ्लाइट में टिकट है और क्या बातें होगी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। ये देखिए एयरपोर्ट की जब तस्वीर आएगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। देखिए बड़ी खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई है और देश से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। समझिए पूरा मामला, देखिए 10:40 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का फ्लाइट, एक ही फ्लाइट से दोनों दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली से पटना से दिल्ली जाने में जो 50 मिनट लगता है उस हवा में क्या बातें होंगी यह तो अब इसी पर पूरा निर्भर कर रहा है। लेकिन कल जब चुनाव के परिणाम आए तो जिस तरीके से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो या फिर शरद पवार ने फोन पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातें हुई है तो क्या खिचड़ी पक रही है बिहार के सियासत में। क्या एनडीए का साथ नीतीश कुमार छोड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे और इंडिया के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात को कहा कि एनडीए के साथ ही रहेंगे और नरेंद्र मोदी के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन सियासी है यहाँ कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है। देखिए बिहार के सियासत में नीतीश कुमार के पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और तेजस्वी ने आज से बहुत दिन पहले ही कह दिया था कि 4 जून के बाद हमारे चाचा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो क्या तेजस्वी यादव की पहले से ही बातचीत हो चुकी थी, क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन फिलहाल देखिए एनडीए के लिए मुश्किल की घड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है। महागठबंधन के पास 226 सीट मिलने से उनके मन में भी अब थोड़ी सी दिलासा जग गई है कि हमारी भी सरकार बन सकती है। लेकिन अब पूरा मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिका है और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू पर। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद जीते हैं तो वहीं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद जीते हैं। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो कुछ तो खेला कर ही सकते हैं। लेकिन देखिए क्या कुछ होगा, नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए के साथ ही हम रहेंगे, लेकिन जो राजनीतिज्ञ पंडित हैं वह इस बात का अब गुना भाग कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे। देखिए एक साथ जब फ्लाइट से पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे तो क्या बातें होंगी। हालांकि आज महागठबंधन का भी बैठक है दिल्ली में और एक तरफ एनडीए का भी बैठक होगा तो नीतीश कुमार किधर जाएंगे, किसके बैठक में जाएंगे, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो आज शाम सब कुछ तय कर देगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की या फिर कोई और प्रधानमंत्री होगा। लगातार अपडेट दे रहे हैं, बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।